नमस्कार दोस्तों, फाइनली अमेजन के ऊपर प्राइम डे सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है कल से। दोस्तों आज इसका लास्ट दिन है सेल का, और जिन लोगों के पास दोस्तों प्राइम मेंबरशिप है उन लोगों को दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपको किस स्मार्टफोन में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आपको स्मार्टफोन खरीदने सोच रहे हो तो आपको इस सेल में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि सेल चाहे फ्लिपकार्ट की हो या अमेजन की, दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजन क्या करते हैं कि कुछ स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे ऑफर देते हैं, और दोस्तों उनके पास जो फ़ोन जो ज़्यादा स्टॉक में होते हैं उनको वो दोस्तों सेल के बाहर निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड फ़ोन बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे दाम में मिल रहे हैं अमेजन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है फ्लिपकार्ट भी सेल स्टार्ट हो चुकी है कुछ दिन पहले, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अमेजन पर ज़्यादा भरोसा होता है। तो दोस्तों जिन लोगों को अमेजन से कोई शॉपिंग करनी है, कोई फ़ोन खरीदना है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे पूरा कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं और जो काफ़ी अच्छे ऑफर में सेल में मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी फ़ोन है जो सेल में मिल रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड फ़ोन ही बताऊँगा। तो चलता हूँ दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो प्राइम डे सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है कल 26 तारीख से, आज 27 जुलाई है, तो दोस्तों आज इसका लास्ट दिन है। अब दोस्तों मैं आपको इनमें सिर्फ वही फ़ोन बताऊंगा जो मुझे इस सेल में अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर के साथ दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करता हूं मैं, तो ये दोस्तों वन प्लस नॉर्ड सी ई। दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल रहा है इस सेल में बैंक ऑफर लगाने के बाद 23,250 रुपये का। दोस्तों ये फ़ोन अगर आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों 23,500 रुपये में आपको मिल रहा है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है पंच होल वाला, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है वन प्लस की तरफ से। दोस्तों अगली डील की बात करता हूँ मैं, तो वो है दोस्तों सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का गैलेक्सी M51। दोस्तों इसकी प्राइस वैसे 20,000 रुपये से ऊपर ही रहती है, बट ये दोस्तों आपको मिल रहा है इस सेल में 20,000 रुपये का, 19,999 का, और बैंक ऊपर लगाने के बाद दोस्तों जी रह जाता सिर्फ 18,250 रुपये का। दोस्तों HDFC बैंक का डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है सेल में। तो HDFC बैंक का अकाउंट किसी के पास होता है ज़्यादातर लोगों के पास, तो अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों से जुगाड़ कर सकते हो और इसमें बेस्ट ऑफर ले सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करता हूँ, तो दोस्तों रेडमी का Note 10 Pro Max जी मिल रहा है दोस्तों आपको 20,000 रुपये का, बट सेल दोस्तों जी HDFC बैंक का ऑफर लगाते हो तो ये सिर्फ 17,250 रुपये का रह जाता है। दोस्तों इस बजट में ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए 17,250 रुपये में तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। नेक्स्ट डील की बात करूँ दोस्तों, तो रेडमी का Mi 11X 5G। दोस्तों ये फ़ोन भी आपको काफ़ी अच्छी कीमत में मिल रहा है, और दोस्तों मैं बोलूँगा काफ़ी तगड़ी डील है। बैंक ऑफर लगाने के बाद दोस्तों ये सिर्फ 21,250 रुपये का रह जाता है, जिसमें दोस्तों आपको 18 मंथ की नो कॉस्ट EMI मिल रही है। अगर आपके पास दोस्तों डेबिट कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक या फिर HDFC बैंक का, तो आप 18 महीने की EMI पर भी दोस्तों इसे ले सकते हो। बट दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट देना होगा, बट दोस्तों आप इसको काफ़ी अच्छी कीमत में ले सकते हो। इसमें दोस्तों आपको भर भर के पीछे दिए गए हैं, तो आप इसकी तरफ भी आ सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि मैं जो भी फ़ोन आपको बता रहा हूं उसके दोस्तों मैं फुल जो भी फीचर होते हैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर सारे फ़ोन के फीचर बताने लग जाऊंगा इस सेल में इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों चलता हूं मैं अगली डील की तरफ, जो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए होता है बजट में, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट पर हमें मिलता है 14,500 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी F41, बट दोस्तों उससे काफ़ी बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M31S, बट इसकी प्राइस दोस्तों हमेशा रहती है 17,000-18,000 रुपये के समथिंग। बट दोस्तों ये आपको इस सेल में मिल रहा है 15,500 रुपये का, और बैंक ऑफर लगाते हो तो ये रह जाता है दोस्तों सिर्फ 13,950 रुपये का, यानी दोस्तों 14,000 रुपये का। तो दोस्तों 14,000 रुपये में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S मिल रहा है 6.5 इंच वाला, जिसमें दोस्तों आपको सोनी का IMX वाला कैमरा दिया गया है, सेंसर दिया गया है, और 6 महीने और दोस्तों 9 महीने की इसमें आपको नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी मिल रहा है। दोस्तों सैमसंग का जो M31S है जी दोस्तों M सीरीज़ का सैमसंग का काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी F41 में जो आपको वो मिलता है प्रोसेसर, भाई प्रोसेसर दोस्तों आपको इसमें ही मिलता है,
बट दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है, जो दोस्तों इसका जो लुक है वो सैमसंग के गलेक्सी F41 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। इसकी कीमत दोस्तों सिर्फ 14,000 रुपये है इस सेल के अंदर, जो मैं बोलूँगा दोस्तों काफ़ी अच्छी तगड़ी डील है। अब दोस्तों नेक्स्ट डील आती है iPhone 11 के ऊपर। दोस्तों जिन लोगों को iPhone 11 चाहिए, जो लोग Apple का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अभी ये आपको मिल रहा है इस सेल में 48,000 रुपये का। अगर दोस्तों आपको इतने बजट में ये फ़ोन चाहिए तो आप इसे ले सकते हो, नहीं दोस्तों ये फ़ोन आपको आपकी मार्केट में ही और भी कम कीमत में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगली डील है Mi 10i 5G। दोस्तों ये आपको मिल रहा है 19,250 रुपये का HDFC बैंक डेबिट कार्ड के डिस्काउंट के बाद। तो आप इसको लेना चाहते हो तो इसको भी इसकी तरफ भी देख सकते हो। अगली डील है दोस्तों रेडमी का Note 10 Pro। दोस्तों ये मिल रहा है आपको 16,250 रुपये का। अगर दोस्तों आपको ये फ़ोन चाहिए तो आपको इससे बेटर है रेडमी का Note 10 Pro Max, आप उसकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों उसकी डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है इससे। और अगर आपको छोटे डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तब दोस्तों आप इसकी तरफ देख सकते हो, नहीं तो दोस्तों इससे बेटर Note 10 Pro Max है। अब दोस्तों अगला फ़ोन है IQ Z3 5G। दोस्तों IQ के जो फ़ोन होते हैं ये हर किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि दोस्तों IQ जो कंपनी है इसकी सर्विस सेंटर दोस्तों हर किसी की तरफ अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके सर्विस सेंटर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस फ़ोन पर जा सकते हो, नहीं दोस्तों आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट डील की बात करूँ तो रेडमी का Note 10 दोस्तों 13,000 रुपये का मिल रहा है। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो दोस्तों आप इससे बेटर है रेडमी का Note 10s देख सकते हो, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है वो। उसमें आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, नहीं दोस्तों वो आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा Note 10s, जो आपको सेल में नहीं दिखाया जा रहा बट आपको अमेजन पर दोस्तों वो मिल जाएगा। अब दोस्तों सैमसंग गलेक्सी M12, दोस्तों इससे बेटर है सैमसंग का गलेक्सी आप M21 2021 एडिशन ले लो, वो दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जो अभी नया लॉन्च हुआ है और दोस्तों नया फ़ोन भी है वो। अब अगली डील की बात करता हूँ दोस्तों तो Redmi 9 Prime, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इससे बेटर देख सकते हो दोस्तों Realme Narzo 30A, जो दोस्तों आपको सेम Redmi 9 Prime वाली प्राइस पे मिल रहा है। और दोस्तों जो ये जो फ़ोन है Realme Narzo 30A, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, प्रोसेसर दिया गया दोस्तों गेमिंग वाला, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। तो दोस्तों यही थी वो डील जो मैंने आपको बताई है। बाकी दोस्तों जितने भी फ़ोन इसमें दिखाए जा रहे हैं जितने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों जितने फ़ोन मैं आपको इस लिस्ट में और दिखा रहा हूँ ये सारे फ़ोन दोस्तों आपको बिना सेल के भी इतनी प्राइस मिल जाते हैं, तो आप इनमें से कोई सा फ़ोन खरीद सकते हो जो मैंने आपको बताए हैं अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा फ़ोन इस सेल से खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी फ़ोन मैंने आपको बताए हैं आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई सा फ़ोन खरीद सकते हो। और दोस्तों जो जितने भी फ़ोन हैं दोस्तों जो आपको नो कॉस्ट EMI के ऑफर पर भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास बजाज का कार्ड है या फिर दोस्तों HDFC बैंक डेबिट कार्ड है या कोटक बैंक का डेबिट कार्ड है, तो आप इनमें से किसी भी कार्ड के ऊपर अच्छी EMI पर कोई सा फ़ोन खरीद सकते हो। जी दोस्तों इस सेल में काफ़ी अच्छी बात है बैंक ऑफर की तरफ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।